भाई के पास एक ही माउंट है क्योंकि मेरे पास भी इंस्टा पड़ा था। गाइस अपने सारे के सारे राइडर जा चुके हैं यहाँ पे। यार मेरा जो हेलमेट में से कैमरा था वो टूट के गिर गया यार। ये देखो ये देखो ये देखो भाई फुल मिट्टी उड़ा रहा है। ओ अबे यार जिस बात का डर था वो ही हुआ। ओके गाइस तो बैड न्यूज है, एक जीटी है उसकी क्लच प्लेट है जो फूक चुकी है। वो बंदे की गाड़ी गिर गई। ओ मेरे भाई शिट रोड देख रहे हो एक नंबर। मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सारे भाई आज हमारे साथ व्लॉग कर रहे हैं। आज पहली बार होने वाला है लाइफ में कि मैं सुबह 4 बजे उठ के राइड पे जाने वाला हूँ। और यहाँ खड़े हमारे रानी, ये रहे हमारे मुकेश भाई, वहाँ पे हमारी R15 और कौन सी गाड़ी है, मेटियोर खड़ी हुई है सॉरी तो चलते हैं फटाफट से, हेलमेट पहन लेते हैं और निकलते हैं फटाफट से राइड पे। अभी सारे नींद में लग रहे होंगे, आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, हेडेक हो गई है सुबह 4 बजे उठना। बाकी बातें करते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, लेट्स गो। ओके गाइस तो अपने भाई को क्या किया, रोशनी करवाई है मैंने अभी। अरे साथ आज एक और ग्रुप ऐड होने वाला है, जयपुर बाइकर्स ग्रुप, तो आज उनके भी 16-17 बंदे हैं और बाकी 6-7 हम भी हैं। तो आज जो प्यारी सी एक राइड है वो होने वाली है, तो फटाफट से कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलते हैं अभी, देखते हैं आज अपना जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहता है ग्रुप के साथ राइड करने में। हर हर महादेव। ओके गाइस तो फाइनली हम हमारे मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सामने दिख रहा है अपना ब्यूटीफुल विधानसभा, लेफ्ट साइड में है अपना ब्यूटीफुल SMS स्टेडियम। आ गए गाइस, बॉयज आ गए बॉयज। 1 hour later ओके गाइस तो फाइनली अपनी जो राइड है वो स्टार्ट हो गई है। 6 बज गए हैं गाइस अप्रॉक्स और यहाँ पे सारे लाइन अप हो रहे हैं। 1 घंटा हमारे को ज्यादा हो चुका है। चलो कोई नहीं, भाई के पास एक ही माउंट है क्योंकि मेरे पास भी इंस्ट्रक्टर पड़ा था। गाइज अपने सारे के सारे राइडर जा चुके हैं यहाँ पे। यार मेरा जो हेलमेट में से कैमरा था वो टूट के गिर गया यार। मैं थोड़ा सेट कर रहा था ऊपर की साइड, टूट के भाई गिर गया। तो कोई नहीं, अभी इसको फटाफट सेट करता हूँ यार, एडजस्ट करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। नुकसान होते होते बच गया मेरा कैमरा, बच गया यार। पर कोई नहीं यार, सारे राइडर चल गए कल भाई, और को पता नहीं, अगर उनको पता होता तो वो रुक जाते, बट कोई नहीं अभी टूट गया है तो फटाफट से लगाता हूँ। मैं बीच रास्ते में अकेला अटक गया हूँ, अब ग्रुप है तो उसको मैं रोक भी नहीं सकता, तो मैंने बोला जाओ यार मैं आ जाऊँगा। तो फटाफट यार सेट करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से जरा तैसे, एंड टाइम पर यार यही होना था क्या। चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेट्स गो गाइस। हमारा यहाँ कैमरा टूट गया यार, ये मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर सेट हो नहीं रहा। ये अभी बात हो चुकी है कल भाई से, आर्यन भाई कैमरा लेकर आए हैं, तो अभी उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है कैमरा, तो उनका जो GoPro है वो मैं यूज़ कर लूँगा, मतलब उनका सेटअप पूरा यूज़ कर लूँगा आज, ताकि अपना जो मैं व्लॉग हो आराम से बना सकूँ। पर अभी नहीं बना पाऊँगा मैं व्लॉग, पहले चलते हैं सीधा उनके पास, जहाँ पे भी वो मुझे मिलेंगे वहाँ से डायरेक्ट उनका जो सेटअप है वो लूँगा और फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यार मेरा तो पूरा सेटअप ख़राब हो गया, ये पूरा नया लेना पड़ेगा मुझे, पर ये पूरा का पूरा यार टूट गया। और मैंने अपना बैग जो है वो भी कपिल भाई को दे दिया है, तो इस वजह से गाइज मैं कैसे ये सामान लेके जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, पर थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा, जेब वेब में डालने की कोशिश करता हूँ और निकलते हैं भाई फटाफट, पहले उनके पास पहुँच जाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं भाई क्या सेटअप होता है आगे। A few minutes later. हेलो हेलो माई टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो। ओके गाइस तो अभी मैंने आर्यन भाई का जो सेटअप है वो ले लिया है, उनका हेलमेट ही मैंने पहन लिया सेटअप के साथ ही, क्योंकि गाइस ग्रुप के साथ आए हैं, एक्सचेंज करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो अभी हमने एक दूसरे को अपना हेलमेट ही दे दिया है, मैंने अभी पहन लिया है आर्यन भाई का हेलमेट, तो जो सारे ग्रुप के बंदे हैं उनको मैंने कवर अप कर लिया था। अभी एक्सचेंज करने के चक्कर में थोड़ा सा आगे निकल गए हैं वो, पर कोई बात नहीं, अब लेफ्ट गए राइट गए आई डोंट नो,
कहाँ गए भाई, ये रहे लेफ्ट में भाई। तो चलते हैं फटाफट और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाइस। आर्यन भाई बहुत सपोर्टिव है तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुकुल भाई आप ले लो। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल जब भी कोई ऑफ रोडिंग शॉट होगा तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ताकि जो आर्यन भाई हैं उनको भी अपनी जो क्लिप्स है वो आराम से मिल जाए। तो थैंक यू सो मच आर्यन भाई, आपने मेरी हेल्प करी। कोई नहीं, मैंने जो भी भगवान करेगा आप देख लेंगे, क्योंकि देखो कोई ना कोई सपोर्ट मिल ही जाता है आपको। भगवान अगर एक रास्ता रोकता है ना तो दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए ज़रूर खोलेगा। तो वही मेरे साथ हुआ, मेरा एक रास्ता बंद हुआ पर अपने आर्यन भाई मिल गए अपन को। भी ऑफ रोडिंग जो हमारा रोड है वो भी आने वाला है। ये रही हमारी प्यारी सी GT। जी भैया गूगल मैप कर लो ना गाइस, थोड़ा लोकेशन में चोचला हो रहा है तो अभी लोकेशन मैं ही डाल देता हूँ। चलो ओके गाइस, तो फाइनली कपिल भाई कर रहे हैं हमारा फटाफट सेटअप। ये गोलू भाई के पास पड़ा था, हमने लगा दिया। अभी सारे राइडर्स जो हैं इधर निकल गए हैं। अब यार ग्रुप के साथ आए हैं तो कोई रुकता नहीं है, तो फटाफट सेटअप कर लेते हैं और निकलते हैं यार यहाँ से। ओके लेट्स गो। चलो भाई फाइनली सेटअप हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू मेरे भाई, ये सारे मेरे भाई, ये सारे रुके हुए, सारे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, बस यही चाहिए भाई। थैंक यू गाइस। अब ये कौन सी जगह का तोरण द्वार है ये तो हमें भी नहीं पता, पर चलते हैं फटाफट और मस्त ऑफ रोड करते हैं यार। एक ऑफ रोडिंग बाइक होनी चाहिए थी अभी हमारी रानी की, वापस से बजना जाए, थोड़ा डर लग रहा है पर कोई नहीं। अभी आपको आवाज़ क्लियरिटी क्वालिटी कैसे आ रही है ज़रूर बताना गाइस। इंस्टा 360 होते हुए भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज गाइज उसकी जो स्टिक वगैरह है वो हमने ऑर्डर करी है, वो आ जाएगी बट वो राइड ख़त्म होने के बाद आएगी, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है भैया। अभी वो बाइकर्स से ना कहाँ गए सीधा। ओके गाइज ये है भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पे। ओबे बे बे मेरी जान, सीधी चल सीधी, सांप बना दिया भैया। गाइज यहाँ सारे भाइयों के पास हैवी गाड़ियाँ हैं और जो ऑफ रोडिंग करने वाले बंदे हैं वो सारे निकल गए हैं आगे, जो हिमालयन वगैरह सारी चीज़ें लाए थे, बट अब यहाँ यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। चल क्या आगे, चल आ जा, इसको उतार थोड़ा आगे चल के आते हैं। चला लेगा चल। ये देखो ले आ जा कपिल, चलते हैं थोड़ा आगे। लेट्स गो। मेरी तो बहुत ज़्यादा स्किड मार रही है। ओ ये रानी इज इन एडवेंचर, रानी कर रही फुल एडवेंचर तो है। ओह शिट, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, मिट्टी उड़ दी है बहुत ज्यादा। क्या हुआ भाई साहब, खतरनाक एडवेंचर चल रहा है। क्या हुआ, गाइस मेरी हाइट से थोड़ी रानी छोटी रह गई यार, इसलिए मेरे क्या पैर बार बार नीचे टिक रहे हैं। ओ ओ अबे बस मैं गिरना नीचे हूँ, मेरे को गिरने का डर है और कुछ भी नहीं है। और थोड़े से राइडर्स जो है हमें मिल चुके हैं। अबे यार लोग यजदी लेकर आए हैं यहाँ पे, बताओ। ओ भाई धुआं में थोड़ा भाई मिट्टी उड़ा रहा है। ओ अबे यार जिस बात का डर था वही हुआ, पर कोई नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको आराम से लेके जा रहा हूँ, हिमालयन वाले भाई साहब क्यों नहीं लेके जा रहे यार। बट मैंने गाइस जहाँ तक एक्सपीरियंस करा है ना, स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास गाड़ी कोई सी भी हो, आपके पास एडवेंचर हो भले कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मिट्टी में जब ही चला पाओगे जब आपके पास स्किल्स होगी। चलो गाइस अब थोड़ा रोड हमें जो है साफ़ सुथरा मिल गया, तो अब आराम से चला सकते हैं यहाँ पे। ओ मेरे भाई आराम से, सही है भाई, ग्रुप ज्वाइन करने का भी एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिल जाती है। ओए होए होए
ओह शिट। ओके गाइस, तो ऐसा कुछ माहौल हमें यहाँ देखने को मिला है, और अभी तो कह रहे हैं ये कि आगे भी जाना है, और अभी यहाँ चल रहा है चाय ब्रेक, सारे के सारे चाय पी रहे हैं। और कल भाई और अटक चुके हैं बाहर, तो एक बंदा उन्हें अभी लेने गया है, तो वो भी आ जाए फटाफट से, फिर निकलेंगे गाइस आगे की तरफ। तो अभी चाय ब्रेक है, तो चाय पी लेते हैं फटाफट, फिर निकलते हैं गाइस। कितना प्यारा वेदर हो रहा है यार यहाँ पे, मतलब शांति से देखो, कित शांति से सुनो, मोर वोर चिल्ला रहे हैं भाई, एकदम सुकून है भाई, एकदम सुकून। देखो और कल भाई के पास है जीटी, तो जीटी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, एक जीटी और है, तो दोनों की क्लच प्लेटें फूकने ही वाली थी गाइस, तो अभी बाहर उन्होंने होल्ड कर लिया है, रोक लिया अपनी गाड़ी को, कपिल भाई उनको लेने गए हैं फटाफट से, बिकॉज गाइस क्लच प्लेटें फूक गई तो घर भी नहीं जा पाएगी, दिक्कत यहीं आ जाएगी, और इतनी हैवी गाड़ी है फिर उसको टो ही करवाना पड़ेगा, तो दैट्स वाई अभी सारे के सारे होल्ड पे हैं। तो बाहर खड़ा करके कपिल भाई, कल भाई और को लेकर आ जाएंगे, फिर अपन आगे का जो एडवेंचर है वो करेंगे फटाफट से। ऑलराइट, चाय पी लेते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई यहाँ से, लेट्स गो। इसको क्या हो गया, एक मिनट बस, मैं पहन लूँ कहीं नहीं जाएगी। ओके गाइस, तो बैड न्यूज़, एक जीटी है उसकी क्लच प्लेटें जो फूक चुकी है, बाकी अभी सब एक दूसरे के पीछे एडजस्ट हो जाएंगे क्लच प्लेटों का क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि एक भाई की गाड़ी बीच में ही फंसी हुई, वो बीच में ही रोक कर आ गए हैं, वो तो अब जाते वक्त ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं। तो चलते हैं फटाफट आगे की साइड, निकल रहे हैं सारे के सारे ऑफ रोड करते हुए, बढ़िया ऑफ रोड करके आएंगे। चलो भैया, चलो भाई अब तुम्हारे भाई की बारी, इजी है यार बहुत। ओ मेरे भाई, रुकियो मत, आराम से। ए यार, ये लोग पैर अड़ा अड़ा के जा रहे हैं, पैर अड़ाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। इतना टाइम लगता है क्या यार, कैसे चला रहे हो तुम लोग, उड़ाते हुए जाओ ऐसे यार। कितनी प्यार से निकल रही, ये निकल रही है, ये एक्सप्रेस से निकल पा रहे। चल, अरे तो अपनी बात कर रहा हूँ, चल। ये भाई मिट्टी उड़ा दिया, चलो निकल गई। अब वापस नीचे चलना है क्या भाई, ज्यादा जंगल में नहीं जाऊंगा, पंचर वंचर ना हो जाए गाड़ी, लकड़ियाँ पड़ भाई, लोग कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बंदे की गाड़ी गिर गई, ओ मेरे भाई, क्यों खामा खा कॉन्टेंट दिला रहे हो तुम, सही है ना, लगी थोड़ी, गाइस भाई ऑफ रोड कर रहे हैं एमटी से, थोड़ी गीली मिट्टी हो रही है, संभल के चलाना पड़ेगा, स्लिप हो गई यहीं गाड़ी। चलो लो जी गाइस, आ गए अपने ऑफ रोड वाले एरिया पे। ओहो हो, ये कौन सा एरिया है, शानदार, खतरनाक यार, कितना प्यारा लग रहा है। ओह शिट, रोड देख रहे हो एक नंबर, बस आराम से सब चल जाए यार, कोई गिरे भी ना बस। मेन चक्कर ये है कि वापस यहाँ चढ़ानी भी है। चल मेरे भाई, भाई क्लासिक को लाना कोई कम बात नहीं है। क्या बात है, एक नंबर रोड है यार।